अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से अस्यानी। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से अस्यानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से अस्यानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो सारी घर पर नज़र रखी हुई है किरण ने, और किरण की देवरानी आ रही है, जिसके बाद किरण की देवरानी की शॉपिंग हो रही है। यानी ये सब कुछ किरण से छुपाया जा रहा है। किरण से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देती है। जिसके बाद किरण घर में हंगामा शुरू कर देती है, अपने ससुराल वालों से यही कहती है कि बड़ी शॉपिंग हो रही है बहू के लिए, मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ लेकिन मुझे कभी भी बड़ी बहू का दर्जा ना मिला है और ना ही समझा गया है। ये सब कुछ सारे सूरत हाल सुन के उसकी नंद यही कहती है किरण की कि आपके सर पर दो बच्चों की, नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए आप बाजार में किस तरह से हमारे साथ जाएंगी। ये बात सुन के किरण को बड़ा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद किरण कहती है कि तुम मत बोलो, हमारे मामले में मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ। किरण का ये रवैया देख के सब घर वाले बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद किरण से ये सब कुछ रहा नहीं जाएगा। किरण कुछ ना कुछ आग ऐसे जरूर लगाएगी जिसकी वजह से इस रिश्ते में भी खराबी आ जाए। किरण नवाल की वालदा को फोन करेगी, यानी अपनी देवर की होने वाली सास को फोन करेगी और उससे यही कहेगी कि आंटी आप जानती हैं कि मेरा हक महर कितना था, मेरा हक महर दो करोड़ रुपए था। यानी 2 करोड़ का सुन के नवाल की वालदा एकदम हैरान हो जाएंगी। तो वो तो यही सोचेंगी ना कि उनकी बेटी का भी उतना ही हक महर हो, ये जितनी बड़ी बहू का है, छोटी बहू का हक महर भी 2 करोड़ ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब घर में पता चलता है कि नवाल की वालदा फोन करेंगे और यही बताएंगे कि आपकी बड़ी बहू ने मुझे बताया कि उसका हक महर 2 करोड़ है, तो मेरी बेटी का हक महर भी 2 करोड़ ही होना चाहिए। ये सब कुछ सूरत हाल हो जाने के बाद बाप किरण से बहुत ज़्यादा लड़ता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की। जिसके बाद किरण कहती है कि मैं तो सच ही बताऊंगी ना, अब उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, मैं झूठ तो नहीं ना बोल सकती। जिसके बाद जरबाप को समझ नहीं आ रहा, वो बच्चों के खातिर किरण को बर्दाश्त कर रहा है। जरबाप वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद किरण खुश होती और कहती है कि अभी तो देखते जाए, आगे आगे मैं करती क्या हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने किसे पंगा लिया है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि बेचारी उजाला की जिंदगी तो बाहों बर्बाद हो गई है, वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, रिजवान के साथ ये जिंदगी कभी भी नहीं गुजारना चाहती, उसका बच्चा भी जाया हो गया, इतनी बुरी सूरत हाल हो गई उसके साथ। जिसके बाद उजाला अपनी आपी को फोन करती है, उनसे यही कहती है कि आपी मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज आप मेरी मदद करें। जिसके बाद उसकी आपी कहती है उजाला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उजाला यही कहती है अपने आपी से कि आपी प्लीज आप मेरी मदद करें, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, मैं कहीं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, हॉस्टल में रह के कुछ पढ़ना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि उजाला की आपी उसकी मदद करेंगे और रिजवान से जान छुड़वा के ही रहेंगी। ड्रामा से अस्यानी नाज़रीन तो इससे भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से अस्यानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की खराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से अस्यानी। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से अस्यानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से अस्यानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो सारी घर पर नज़र रखी हुई है किरण ने, और किरण की देवरानी आ रही है, जिसके बाद किरण की देवरानी की शॉपिंग हो रही है। यानी ये सब कुछ किरण से छुपाया जा रहा है। किरण से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देती है। जिसके बाद किरण घर में हंगामा शुरू कर देती है, अपने ससुराल वालों से यही कहती है कि बड़ी शॉपिंग हो रही है बहू के लिए, मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ लेकिन मुझे कभी भी बड़ी बहू का दर्जा ना मिला है और ना ही समझा गया है। ये सब कुछ सारी सूरत हाल सुन के उसकी नंद यही कहती है किरण की कि आपके सर पर दो बच्चों की, नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए आप बाजार में किस तरह से हमारे साथ जाएंगी। ये बात सुन के किरण को बड़ा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद किरण कहती है कि तुम मत बोलो, हमारे मामले में मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ। किरण का ये रवैया देख के सब घर वाले बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद किरण से ये सब कुछ रहा नहीं जाएगा। किरण कुछ ना कुछ आग ऐसे जरूर लगाएगी जिसकी वजह से इस रिश्ते में भी खराबी आ जाए। किरण नवाल की वालदा को फोन करेगी, यानी अपनी देवर की होने वाली सास को फोन करेगी और उससे यही कहेगी कि आंटी आप जानती हैं कि मेरा हक महर कितना था, मेरा हक महर दो करोड़ रुपए था। यानी 2 करोड़ का सुन के नवाल की वालदा एकदम हैरान हो जाएंगी। तो वो तो यही सोचेंगी ना कि
उसकी बेटी का भी उतना ही हक महर हो जितनी बड़ी बहू का है। छोटी बहू का हक महर भी 2 करोड़ ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब घर में पता चलता है कि नवाल की वालदा फोन करेंगे और यही बताएंगे कि आपकी बड़ी बहू ने मुझे बताया कि उसका हक महर 2 करोड़ है, तो मेरी बेटी का हक महर भी 2 करोड़ ही होना चाहिए। ये सब कुछ सूरत हाल हो जाने के बाद जर बाप किरण से बहुत ज्यादा लड़ता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की। जिसके बाद किरण कहती है कि मैं तो सच ही बताऊंगी ना, अब उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, मैं झूठ तो नहीं ना बोल सकती। जिसके बाद जर बाप को समझ नहीं आ रहा, वो बच्चों के खातिर किरण को बर्दाश्त कर रहा है। जर बाप वहां से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद किरण खुश होती है और कहती है कि अभी तो देखते जाए आगे आगे मैं करती क्या हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने किससे पंगा लिया है। जबकि दूसर नासरीन आप देखेंगे कि बेचारी उजाला की जिंदगी तबाह तो बर्बाद हो गई है, वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, रिजवान के साथ जिंदगी कभी भी नहीं गुजारना चाहती, उसका बच्चा भी जाया हो गया, इतनी बुरी सूरत हाल हो गई उसके साथ। जिसके बाद उजाला अपनी आपी को फोन करती है, उनसे यही कहती है कि आपी मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज आप मेरी मदद करें। जिसके बाद उसकी आपी कहती है उजाला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उजाला यही कहती है अपनी आपी से कि आपी प्लीज आप मेरी मदद करें, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, मैं कहीं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, हॉस्टल में रह के कुछ पढ़ना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि उजाला की आप ही उसकी मदद करेंगे और रिजवान से जान छुड़वा के ही रहेंगी। ड्रामा से सियानी नाज़रीन तो इससे भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अगर अपने हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो सारे घर पे नजर रखी हुई है किरण ने, और किरण की देवरानी आ रही है। जिसके बाद किरण की देवरानी की शॉपिंग हो रही है, यानी ये सब कुछ किरण से छुपाया जा रहा है। किरण से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देती है। जिसके बाद किरण घर में हंगामा शुरू कर देती है, अपने ससुराल वालों से यही कहती है कि बड़ी शॉपिंग हो रही है बहू के लिए, मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ लेकिन मुझे कभी भी बड़ी बहू का दर्जा ना मिला है और ना ही समझा गया है। ये सब कुछ सारी सूरत हाल सुन के उसकी नंद यही कहती है किरण की आपके सर पर 2 बच्चों की, नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए आप बाजार में किस तरह से हमारे साथ जाएंगी। ये बात सुनकर किरण को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद किरण कहती है कि तुम मत बोलो, हमारे मामले में मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ। किरण का ये रवैया देख के सब घर वाले बड़ी टेंशन में आ गए हैं। जिसके बाद किरण से ये सब कुछ रहा नहीं जाएगा, किरण कुछ ना कुछ आग ऐसे जरूर लगाएगी जिसकी वजह से इस रिश्ते में भी खराबी आ जाए। किरण नवाल की वालदा को फोन करेगी, यानी अपने देवर की होने वाली सास को फोन करेगी और उसे यही कहेगी कि आंटी आप जानती हैं कि मेरा हक महर कितना था, मेरा हक महर 2 करोड़ रुपए था। यानी 2 करोड़ का सुन के नवाल की वालदा एकदम हैरान हो जाएंगी, तो वो तो यही सोचेंगी ना कि उनकी बेटी का भी उतना ही हक महर हो जितनी बड़ी बहू का है, छोटी बहू का हक महर भी 2 करोड़ ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब घर में पता चलता है कि नवाल की वालदा फोन करेंगे और यही बताएंगे कि आपकी बड़ी बहू ने मुझे बताया कि उसका हक महर 2 करोड़ है, तो मेरी बेटी का हक महर भी 2 करोड़ ही होना चाहिए। ये सब कुछ सूरत हाल हो जाने के बाद जर बाप किरण से बहुत ज्यादा लड़ता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम्हें क्या जरूरत थी बताने की। जिसके बाद किरण कहती है कि मैं तो सच ही बताऊंगी ना, अब उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, मैं झूठ तो नहीं ना बोल सकती। जिसके बाद जर बाप को समझ नहीं आ रहा, वो बच्चों के खातिर किरण को बर्दाश्त कर रहा है। जर बाप वहां से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद किरण खुश होती है और कहती है कि अभी तो देखते जाए आगे आगे मैं करती क्या हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने किससे पंगा लिया है। जबकि दूसर नाज़रीन आप देखेंगे कि बेचारी उजाला की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, रिजवान के साथ जिंदगी कभी भी नहीं गुजारना चाहती, उसका बच्चा भी जाया हो गया, इतनी बुरी सूरत हाल हो गई उसके साथ। जिसके बाद उजाला अपनी आपी को फोन करती है, उनसे यही कहती है कि आपी मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज आप मेरी मदद करें। जिसके बाद उसकी आपी कहती है उजाला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उजाला यही कहती है अपनी आपी से कि आपी प्लीज आप मेरी मदद करें, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, मैं कहीं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ,
हॉस्टल में रहकर कुछ पढ़ना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि उजाला की आपी उसकी मदद करेंगे और रिजवान से जान छुड़वा के ही रहेंगी। ड्रामा से सियानी नाज़रीन तो इससे भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से सियानी नाज़रीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज फिर मैं आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि किरण तो सारे घर पे नजर रखी हुई है किरण ने, और किरण की देवरानी आ रही है जिसके बाद किरण की देवरानी की शॉपिंग हो रही है। यानी ये सब कुछ किरण से छुपाया जा रहा है। किरण से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वो तो इतनी सी बात को इतना बड़ा बना देती है, जिसके बाद किरण घर में हंगामा शुरू कर देती है। अपने ससुराल वालों से यही कहती है कि बड़ी शॉपिंग हो रही है बहू के लिए, मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूँ लेकिन मुझे कभी भी बड़ी बहू का दर्जा ना मिला है और ना ही समझा गया है। ये सब कुछ सारी सूरत हाल सुन के उसकी नंद यही कहती है किरण की आपके सर पर दो बच्चों की, नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए आप बाजार में किस तरह से हमारे साथ जाएंगी। ये बात सुनकर किरण को बड़ा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद किरण कहती है कि तुम मत बोलो, हमारे मामले में मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ। किरण का ये रवैया देख के सब घर वाले बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद किरण से ये सब कुछ रहा नहीं जाएगा। किरण कुछ ना कुछ आग ऐसे जरूर लगाएगी जिसकी वजह से इस रिश्ते में भी खराबी आ जाए। किरण नवाल की वालदा को फोन करेगी, यानी अपने देवर की होने वाली सास को फोन करेगी और उसे यही कहेगी कि आंटी आप जानती हैं कि मेरा हक महर कितना था, मेरा हक महर 2 करोड़ रुपए था। यानी 2 करोड़ का सुन के नवाल की वालदा एकदम हैरान हो जाएंगी। तो वो तो यही सोचेंगी ना कि उनकी बेटी का भी उतना ही हक महर हो ये जितनी बड़ी बहू का है, छोटी बहू का हक महर भी 2 करोड़ ही होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब घर में पता चलता है कि नवाल की वालदा फोन करेंगे और यही बताएंगे कि आपकी बड़ी बहू ने मुझे बताया कि उसका हक महर 2 करोड़ है, तो मेरी बेटी का हक महर भी 2 करोड़ ही होना चाहिए। ये सब कुछ सूरत हाल हो जाने के बाद जब बाप किरण से बहुत ज्यादा लड़ता है, उससे कहता है ये सब कुछ तुम्हें क्या जरूरत है बताने की, जिसके बाद किरण कहती है कि मैं तो सच ही बताऊंगी ना, अब उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, मैं झूठ तो नहीं ना बोल सकती। जिसके बाद जरबाब को समझ नहीं आ रहा, वो बच्चों के खातिर किरण को बर्दाश्त कर रहा है। जरबाब वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद किरण खुश होती और कहती है कि अभी तो देखते जाए आगे आगे मैं करती क्या हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने किसे पंगा लिया है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि बेचारी उजाला की जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, रिजवान के साथ जिंदगी कभी भी नहीं गुजारना चाहती, उसका बच्चा भी जाया हो गया, इतनी बुरी सूरत हाल हो गई उसके साथ। जिसके बाद उजाला अपनी आपी को फोन करती है, उनसे यही कहती है कि आपी मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज आप मेरी मदद करें। जिसके बाद उसकी आपी कहती है उजाला मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। उजाला यही कहती है अपनी आपी से कि आपी प्लीज आप मेरी मदद करें, मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, मैं कहीं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ, हॉस्टल में रहकर कुछ पढ़ना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकती। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि उजाला की आपी उसकी मदद करेंगे और रिजवान से जान छुड़वा के ही रहेंगी। ड्रामा से सियानी नाज़रीन तो इससे भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से सियानी की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।